यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या। ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। देर हो जाएगी बड़ी जिंदगी घड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियां राहों में खड़ी। पल हाथों से जाए ना, बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की। सुन मेरे साथी चल साथ मेरे, तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या। ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। अरे बेटे धर्मेश, ये सब क्या हो गया? बेटा हमने तो जैसे ही सुना एकदम से, तुमको कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ नहीं, देखो काम नहीं। माँ, काम माँ, मेरा पप्पू है ना माँ, कहाँ है ना माँ? मेरी बात तो सुन, काम नहीं। देखो काम नहीं। मत कहो ना बार बार, मेरा पप्पू है। तुम बहुत अच्छी। पप्पू भी अच्छा है अंकल, और जब आएगा ना तो हम दोनों फिर से एक साथ खुल जाएंगे। अरे तुम यहाँ काम पर लग गए? जी, राजू अंकल के कारण नौकरी मिल गई। अब मैं बाबू के साथ रोज खेलूंगी। तुम यहाँ चाय पिलाने का काम कर रहे हो? तुम तो अच्छे घर के लगते हो। मैंने सोचा था कि मैं पप्पू को ऐसा पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सब कुछ तारा का तारा रहेगी। अब देखिए टपी स्टार मयूर और उसके साथियों के कारनामे। मगर ध्यान ही नहीं है। ए छोकरा, सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दिए जा रही हो? ध्यान किधर है तेरा? हाँ, क्या करता है? हाँ, सुनाई नहीं देता तुझे? चाहे तू आपको तो और क्या मांग रही हो मैं तुझसे? हाँ, खबरदार जब फिर से खेल देखने आया तो रिंग मास्टर से कह के शेर के पिंजरे में बंद करवा दूंगी तुझे। चाय का क्या हुआ रूबी, उसे बाद में पीटना, चाय देने को बोलना। हाँ चल दे, जल्दी चाय दे। अभी आंखें फाड़ फाड़ कर किसे देख रहा है? हाँ, दू क्या एक रसीद कर। चल चाय दे जल्दी। चल जल्दी कर।
दे। ये चाय है हाँ? ये चाय पिलाएगा तू मुझे हाँ? ऐसी चाय पीऊंगी मैं? अरे इसे मारे जा रही है, चाय तो दे दे। देखना देवी कितनी ठंडी चाय है, मुआ एक घंटे से किटली लेकर यहाँ खड़ा है, सारी चाय ठंडी कर ली। चल जा अब चाय गर्म करके लेके आ, जा निकल। अब ये गुस्से से किसको देख रहा है तू हाँ? चल जा निकल यहाँ से, चाय लेके आ जल्दी से गर्म करके। क्यों मार रहे हो उसे रूबी? देखना जनी ठंडी चाय पिला रहा है मुझे, ये कोई चाय है? ऐसी चाय पीऊंगी मैं? तो गरम करके लाएगा ना, है ना पप्पू? तू क्यों इसकी इतनी तरफदारी कर रही है? ये तरीका ठीक नहीं है बच्चों से बात करने का। अब तुम मुझे तरीके मत समझाओ जनी, तुम क्यों इतनी लाल पीली हो रही हो? क्योंकि तुम उसे पीट रही हो। माय गॉड, ए तू यहाँ खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? चल जा चाय गर्म करके ला जल्दी। और सुनो जेनी, तुम अपने काम से काम रखो, बीच बीच में मत बोला करो, पता नहीं इससे क्यों इतनी मिर्ची लग जाती है। देवी चलो। थैंक यू डियर। अनक तुम, पप्पू कहाँ है? राजू अंकल, रूबी दीदी ने पप्पू को मारा। क्यों? क्योंकि पप्पू ने उन्हें ठंडी चाय पिला दी। अच्छा आप क्यों हंसे? पप्पू बेचारा रो रहा था। कोई बात नहीं, अब पप्पू भी हंसेगा। कब? कब? जब सब सो जाएंगे तब। बेहद जरूरी है, हर इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बात करते हो, अरे हमारे रिंग मास्टर माधवन देखो हम सबके बॉस है, और वो शेर और हाथी की जुबान को समझते हैं मगर अंग्रेजी कहाँ पढ़ पाते। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बुरी बात क्या है, पढ़ लिख कर वो रिंग मास्टर तो नहीं बन पाते? अरे दुनिया के किस कॉलेज में रिंग मास्टर की पढ़ाई होती है? रिंग मास्टर होना या जानवरों को कसरत सिखाना ये एक आर्ट कला है, जैसे तुम नकल कर लेते हो, लोगों को हंसा लेते हो। मैं झूले पर कलाबाजियां खा लेता हूँ, उसी तरह ये एक आर्ट कला है। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई बेकार है। पढ़ने लिखने से इंसान की सोच बढ़ती है। पता नहीं पानी सर के ऊपर से घुस रहा है या नहीं। क्या क्या, क्या कहा? यानी पढ़ाई की बातें अपने सर के ऊपर से गुजर जाती है। ठंडा लग रहा है ना? हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पानी में सो रहे हैं। हाँ जैसे पानी पानी पानी
पानी दीदी, दीदी हम लोग पानी में सो रहे हैं। क्या हुआ? इतनी चिल्लाक हो रही है। कावने, कामने, 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 काप कामनी, अप्पू की ट्यूशन चल रही है। शिवानी ने कहा है अप्पू को कोई डिस्टर्ब ना करे। बड़ा शरारती हो गया है पप्पू। जरा सी किसी की आवाज आती है तो बस पढ़ाई में से ध्यान ही हट जाता है। देख रहे हो? हाँ कामनी, मैं बस तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। मेरे छोड़ो, आसमान में देखो, चांद कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना? हमारा पप्पू भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, मगर मगर अमावस की रात उसकी जिंदगी में कभी ना आए। काले बादल जैसे चांद को निगल जाते हैं, वैसे हालात के पंजे मेरे पप्पू की जिंदगी को अपने मुट्ठी में कैद कभी ना करें, कभी ना करें। नहीं कामनी, देखो तुम कह रही हो ना कि पप्पू पढ़ रहा है, तुम ही तो शोर मचाए जा रही हो, तुम ही तो बोल रही हो। हाँ मुझे तो चुप रहना चाहिए। हाँ? चलो आओ मेरे साथ, तुम आराम कर लो थोड़ा। हाँ? हाँ? ये ठीक रहेगा। हाँ? चलो। हाँ? मैडम चाय। आंटी चाय। The warmth of the season and the smell of the fruit cottage. It felt cool and relaxed. Hi, Papu. Hi. It's so comfortable to rest on. Different from my Auntie chai. Mothers and the girls to each of them.
हमेशा पढ़ते रहते? हाँ यार, आधे से ज्यादा वक्त तो शो में निकल जाता, बाकी वक्त पढ़ाई करता हूँ। तुम्हें ये काम छोड़कर पढ़ना चाहिए पप्पू। इस काम में क्या बुरा है मयूरन अंकल? मैं वो राजू अंकल की तरह जोकर बनना चाहता हूँ। आप हंस क्यों रहे? क्या मैं जोकर नहीं बन सकता? अपनी जिंदगी पर रोकर दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है पप्पू। जोकर के हंसते हुए चेहरे के पीछे उसकी अपनी दर्दनाक चीखें होती हैं। मैं समझा नहीं। समझोगे भी नहीं, मगर समझने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता पप्पू, उम्र और वक्त किसी के बस में नहीं। तुम्हें पढ़कर आगे बढ़ना होगा, और मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। तमाशा बनकर मत जियो, तमाशा देखकर निकल जाओ। हे प्रभु, मेरे पप्पू को एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कर देना। बहुत मेहनत कर रहा है ना बेचारा। मुझे पप्पू की बड़ी चिंता लगी रहती है। आप हमेशा कहते हैं ना उसे अफसर बनाना है, मगर मैं तो अपने पप्पू को ना डॉक्टर बनाऊंगी। बुढ़ापे में हमारा इलाज करेगा, है ना? थैंक यू पप्पू, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। साथियों, ये हमारा नया साथीदार पप्पू। पप्पू, तुम जोकर बनोगे? आज से इसका नाम पप्पू नहीं, हीरा होगा, हीरा। तो हीरा तैयार ट्रेनिंग के लिए। आजकल धर्मेश मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मगर मेरा सारा वक्त तो पप्पू के पीछे ही जाता है। बहुत मेहनत कर रहा है ना बेचारा, है ना धर्मेश? आप? मैं ठीक हूँ, आप चेकअप करिए, मगर थोड़ा जल्दी। पप्पू आता ही होगा, उसे घर आने के बाद तुरंत बहुत भूख लगती है, उसे डॉक्टर भी बनना है। बढ़ती उम्र में भूख लगती है ना, मेरा पप्पू डॉक्टर बनेगा। आप उसे अपने हॉस्पिटल में रख लेना, धीरे दर्द होता है, आप जरा उसे फोन कर लेना। पप्पू को फोन करना है। तुम जैसे ऐसे करोगे, ऐसे किया तुम्हें डॉन क्या करे आएगा पीछे से। नहीं, तुम्हें माना तुम्हें
पप्पू थोड़ा सा इतना मारो तो पीछे। हाँ चल यू आए पप्पू मारना मुझे मुझे मारो ऐसा चलो देखना ठीक है देखो मारो मुझे मार को ठीक है ये बेटा अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं सुला दूं तुम्हें। डैडी पप्पू भैया का कोई फोन भी नहीं आया ना। हाँ बेटा जरूर आएगा फोन उनका। पप्पू भैया को हमारी याद आती होगी ना। हाँ बेटा जरूर आती होगी। तो उन्होंने हमें फोन क्यों नहीं किया। बेटा वो फोन करेंगे। गंगू भाई इसको ले जाओ जाओ बेटा। चलो मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है खा लो और चुपचाप सो जाओ। चलो क्या सोच रहे हो धर्मेश। दामले साहब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता। आपने जो हमारे लिए किया है और कर रहे हैं इसका मैं कर्ज कैसे उतारूंगा। कर्ज गैरों के उतारे जाते हैं एहसान परायों पे किया जाता है अपनों का तो साथ दिया जाता है। पता नहीं मुझे और रोहिणी को ऐसा महसूस हो रहा है मानो मानो हमारा कोई अपना खो गया हो। धर्मेश मैं तुमसे मिला तुम्हारे हंसते परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया उस वक्त मुझे लगा कि मानो दुनिया का अगर कोई सबसे सुखी परिवार है तो यही है। मुझे अच्छा लगा। पता नहीं शायद तुम्हारे परिवार को मेरी नजर लग गई। नहीं दामले साहब ऐसा मत कहिए। आप तो कभी सोचकर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। धर्मेश तुमने दो बच्चों के बाप होने का सौभाग्य पाया और आज एक बच्चे की जुदाई का गम बर्दाश्त कर रहे हो पर हमारे बारे में सोचो। मेरी और रोहिणी की शादी को 15 साल हो गए और हमें एक औलाद भी पैदा नहीं हुई। कितनी रातें मैंने रोहिणी को जागते हुए देखा है। एक औरत सब कुछ हंसते हंसते झेल लेगी सारे दुख बर्दाश्त कर लेगी पर बच्चा ना होने का दुख। धर्मेश तुम्हारा दुख हमारे दुख से बड़ा है मैं उसका मुकाबला नहीं कर रहा पर तुम चिंता मत करो। अरे जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो जीने के तरीके भी बता देगा। अरे सब देखता है वो ऊपर वाला
सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दामले साहब, आपकी इन बातों से बहुत हौसला बढ़ जाता है, लेकिन हम जिन मौजूदा हालात में गुजर रहे हैं उसमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। पता नहीं किस गुनाह की सजा हमें मिल रही है। दामले साहब, जब कभी पप्पू के बारे में सोचता हूं वो कहां होगा, कैसे होगा, ये सोचकर ही कलेजा कांपने लगता है। दामले साहब, पता नहीं कहां है पप्पू मेरा, छोड़कर चला गया। पप्पू की बहुत याद आती है। दामले साहब, मैं टूट चुका हूं, बिल्कुल टूट चुका हूं।